नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। देवरी, कोरोना महामारी के बीच लोग विभिन्न प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं इस महामारी के बीच उन परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो रोज खाते कमाते हैं। वहीं इस बीच प्रशासन का बेरहम चेहरा सामने आना प्रशासन पर लाख सवाल खड़े करता है। इंदौर में हाथ ठेलों पर कार्यवाही की तस्वीरें लोग अभी भूले नहीं थे कि अब दूसरी तस्वीरें सागर जिले के देवरी से निकलकर सामने आई हैं, जहां प्रशासन ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए फेरी लगाने वाले फुटकर सब्जी एवं फल विक्रेताओं के ऊपर कार्यवाही कर दी। यहां पर प्रशासन ने नगर के विभिन्न स्थानों पर फेरी लगाकर सब्जी एवं फल बेच रहे दुकानदारों पर प्रशासन ने कार्यवाही की है। यहां पर नगर पालिका के द्वारा सब्जी विक्रेताओं के हाथ ठेले सामान सहित नगर पालिका के द्वारा अपनी ट्रॉलियों में भरकर ले गए। प्रशासन के सामने पीड़ित हाथ जोड़ते रहे, परंतु प्रशासन ने एक न सुनी। वहीं हाथ ठेले वालों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के द्वारा ऐलान तो कराया गया था, परंतु आधी अधूरी जानकारी दी गई। ऐलान में कहा गया था कि रक्षाबंधन से किला मैदान में दुकान लगेगी, परंतु यह नहीं बताया गया कि कब से लगेगी, और उसके कुछ समय बाद यह कार्यवाही कर दी, जिससे गरीब सब्जी विक्रेताओं में भारी रोष व्याप्त है। नगर पालिका की इस कार्यवाही में पुलिस बल भी मौजूद रहा। शाम को या बाजार के दिन स्थिति ये होती है कि ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा हो जाती है, और सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना बचाव के लिए आवश्यक निकल है उसको बिल्कुल पालन नहीं किया जाता है। कई जगह शिकायतें आ रही हैं कि लिखित में भी आई हैं, फोन से भी आई हैं कि आप लोग कुछ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियाँ उड़ रही हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में सुबह से मुझे फ़ोन पर शिकायतें हुई, दो तीन लिखित शिकायतें आई, और जैसा कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है उसके संदर्भ में ये था कि ये दुकानें जो बदरिया में वशिष्ठ की लगी हुई हैं उनको किले में लगवाया जाए, क्योंकि बदरिया में वैसी भीड़ रहती है। तो इसके लिए मुनादी भी कराई गई थी आज सुबह, सब्जी विक्रेताओं से भी कहा गया, मुनादी भी कराई गई कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, चौराहे चौराहे और तरफ ना करें। लेकिन फिर भी ये लोग नगर पालिका द्वारा जो अपील की गई उसका पालन नहीं किया गया। नगर पालिका द्वारा जाके नगर पालिका टीम और मेरे द्वारा कुछ सब्जी विक्रेताओं के पूरे जब्त किए गए, खासतौर से दिल्ली के रहता वर्ष और उसी के तहत कार्रवाई की गई। कितने लोगों के रोजी रोटी पर अन्याय किया गया नगर पालिका? ये अन्याय नहीं कह सकते, ये कार्रवाई की गई है और करीब 4 किलो जब्त किए गए हैं, और इसके अलावा करीब 8-10 लोग और होंगे जिनको संदेह की गई और उनको कार्रवाई की गई, और 2 अस्थायी अतिक्रमण भी हटाए गए। क्या नाम है आपका? गुलाब। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? होटल की दूर पास। अच्छा, क्या हो गया अभी नगर पालिका वाले ठेले भर के ले गए? सब सब्जी लेकर भर के हमारे। अच्छा, ऐलान नहीं किया था नगर पालिका? जो नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो नहीं कहा। कितने का नुकसान हो गया आपका? कम से कम हमारा 6,000 रुपया का। 6,000 रुपया का। काय का ठेला लगाए थे आप? सब्जी को लगाए थे कि चल फिर रहे थे? ये क्या संख्या रहे थे वहाँ से भी आ गए, बस पूरे पकड़ के भर के वहाँ ले गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? कलु विश्वकर्मा। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? संजय नगर। अच्छा, क्या हो गया अभी? अभी नगर पालिका वाले आए थे तो सब्जी के लिए में बाहर के। अच्छा, आपका क्या लेगा है? सब्जी। सब्जी और सब्जी में सभी प्रकार की सब्जी। अच्छा, अनाउंसमेंट किया था नगर पालिका ने उसके पहले ऐलान वगैरह? ऐलान किया था लेकिन उसका निश्चित। क्या ऐलान किया था? ऐलान जो किया था कि उतर किले में दुकानें लगने, कब से लगना ये नहीं बताया, निश्चित नहीं बताया उन्होंने कि कब से लगने। अच्छा, कितने का नुकसान हो गया लगभग आपका? कम से कम 5-6 हजार। 5-6 हजार का। खबर समय जगत के लिए देवरी से उपेंद्र राय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।